तो पिछली बार हम लोगों ने एक ऐसे पार्टिकल की चर्चा की जो एक स्टेप पोटेंशियल में है और जिसमें x बराबर जीरो से पहले पोटेंशियल ज़ीरो है और x बराबर ज़ीरो पर अचानक से एक सीढ़ी की तरह वो पोटेंशियल बढ़ता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है वी नॉट। इसकी चर्चा हम लोगों ने की, उसके हमने एनर्जी आइगन फंक्शंस निकाले, वो एनर्जी हमने देखा कि कंटिन्यूसली कुछ भी हो सकती है ज़ीरो से लेकर के और वी नॉट तक, अभी उसके आगे की चर्चा हमने नहीं की है, और वो एनर्जी इस के में और इस गामा के अंदर में शामिल है जो हमने यहाँ पर गामा और के डिफाइन किए हैं, और फिर हमने उसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की चर्चा करने की कोशिश की तैयारी की, और उसके लिए हमने आपको एक करंट का उदाहरण लिया। जो करंट जाता है किसी वायर के अंदर में, तो अगर एरिया क्रॉस सेक्शन है और कुछ करंट जा रहा है और चार्ज की डेंसिटी अगर हम रो कहते हैं तो चार्ज के जो फ्लो का रेट है अर्थात करंट डेंसिटी, उनके अंदर में हमने ये संबंध देखा कि अगर हम एक डायमेंशन में हैं तो चार्ज डेंसिटी का अगर आप टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो फिर वो करंट डेंसिटी के स्पेस डेरिवेटिव के बराबर होता है माइनस साइन के साथ में। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी है किसी पार्टिकल के कहीं पाए जाने की, वो हम लोग जानते हैं कि वो ऐसे होता है मोड साई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये है प्रोबेबिलिटी उस पार्टिकल के एक्स से एक्स प्लस डी एक्स के बीच होने की, और जब डी एक्स से हम भाग लगा देते हैं तो हम उसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं। तो इसको अगर हम इसके लिए भी रो का सिंबल अगर हम यूज़ करें और डेल रो डेल टी निकालने की कोशिश करें तो आप देखिए क्या क्या होते हैं। तो पहले मैं थोड़ी जगह बनाऊँ, तो इसको हम रो कहें और फिर हम डेल रो डेल टी की कोशिश करें। रो इस बार ये प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी है, किसी पार्टिकल को कहीं पाए जाने की प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी है ये, और ये है मॉड साई स्क्वायर अर्थात साई स्टार साई। इसको अगर हम टाइम में डिफरेंशिएट करें तो ये कुछ ऐसा होगा साई स्टार इंटू डेल साई डेल टी और प्लस साई इंटू डेल साई स्टार डेल टी, और डेल डेल टी को आप श्रोडिंगर इक्वेशन से लिख सकते हैं। आपको ध्यान होगा आई एच क्रॉस डेल साई डेल टी बराबर हैमिल्टोनियन साई अर्थात माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम, हमारे वन डायमेंशन के जगत के लिए ऐसा, और प्लस v जो एक x का फंक्शन होगा और ये साई ऐसा, ये हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है ये। तो ये डेल साई डेल टी के लिए हम यहाँ से चलेंगे और इस आई एच क्रॉस को हम इधर लिख लेते हैं, इस आई एच क्रॉस को यहाँ से हटा करके हम यहाँ लिख लेते हैं वन बाय आई एच क्रॉस, और फिर इसको साई स्टार से हम गुणा भी कर देते हैं। सो साई स्टार से इसको गुणा भी कर दीजिए ऐसा, तो ये साई स्टार से यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो गया और ये भी साई स्टार से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया ऐसा। इसी प्रकार से आप इस टर्म को लिखें, ये इसी का ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसी का ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, तो आप तुरंत लिख सकते हैं साई स्टार की जगह साई, इसकी जगह साई स्टार अर्थात ऐसा, और अब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है अपने को बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई टू एम, इस साई स्टार की जगह पे साई डेल टू, इस साई की जगह पे साई स्टार डेल एक्स स्क्वायर, इस साइड में प्लस वी एक्स, ये रियल है, और इस साई की जगह पर साई स्टार, और इस साई स्टार की जगह पर साई, और यहाँ पे वन बाय आई एच क्रॉस माइनस आई एच क्रॉस, तो एक माइनस और। अब इन दोनों को अपने को जोड़ना है, तो इन दोनों को अपने को जोड़ना है तो क्या बना, ये बना डेल रो डेल टी बराबर, इन दोनों को जोड़ना है तो इस माइनस के कारण से इसमें से इसको हमें घटाना है, तो वन बाय आई एच क्रॉस और उसके बाद इसमें से इसको घटाना है तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर टू एम साई स्टार
डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अलग से कॉमन भी निकाल सकते हैं, और तब जो बच गया वो ऐसा माइनस साई, ये वाला साई और ये वाला डेल टू साई स्टार और डेल एक्स स्क्वायर। और देखिए ये वाला कट गया, ये दोनों एक ही हैं, साई स्टार साई, वो कट गए। वन बाई आई एच क्रॉस हमने लिख लिया, इस माइनस का हिसाब हमने कर लिया, इसमें से इसको हमने घटा लिया, तो ये ऐसा बन करके आया। इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, ये एच क्रॉस यहाँ पे एच क्रॉस बनेगा, ये एच क्रॉस एक एच क्रॉस यहाँ से कट जाएगा, बाई टू आई एम, ये टू और ये आई और ये एम, ये हो गया है। एक माइनस है उसको हम अलग से बाहर लिख लेते हैं इस माइनस को, तो ये इतना बन गया। और ये जो है इसकी जगह आप लिख सकते हैं इसको डेल डेल एक्स ऑफ साई स्टार डेल साई डेल एक्स और माइनस साई डेल साई स्टार डेल एक्स। ये थोड़ा सा आप अलजेब्रा कर लीजिएगा, इसको आप खोलिए और आप देखिए कि कुछ कट पिट करके यही बन जाता है, तो इसको आप यूं लिख सकते हैं। और इस डेल डेल एक्स को भी आप बाहर ले लें, एच क्रॉस आई एम को अंदर रहने दे, कांस्टेंट है ये, तो ये बनता है अपना इक्वल टू माइनस डेल डेल एक्स ऑफ क्या एच क्रॉस बाई टू आई एम और फिर यहाँ पे साई स्टार डेल साई डेल एक्स और माइनस साई स्टार डेल एक्स। और इस पूरे को, ये जो बड़ा ब्रैकेट है ये पूरा, इस पूरे बड़े ब्रैकेट को अगर आप जे लिख दीजिए, जे कैपिटल जे, तो क्या इक्वेशन बनता है? इक्वेशन बनता है डेल रो डेल टी बराबर, ये डेल रो डेल टी बराबर माइनस डेल डेल एक्स ऑफ माइनस डेल डेल एक्स ऑफ किसका? जे का। तो आप देखिए हमें यही इक्वेशन मिल रहा है, यही इक्वेशन मिल रहा है जहाँ कि जे इस पूरे के लिए लिखा गया है। जे किसके लिए लिखा गया है? एच क्रॉस बाई टू आई एम और फिर साई स्टार डेल साई डेल एक्स माइनस साई डेल साई स्टार डेल एक्स। तो जैसे ये चार्ज की डेंसिटी होती है, तो ये जे जो है ये चार्ज के फ्लो की दर बताता है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना फ्लो हो रहा है। वन डिमेंशन के अंदर में, एक ही डिमेंशन के अंदर में केवल एक्स में वेरिएशन है, तो ऐसा इक्वेशन होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी है, इसलिए ये चीज़ जो है ये प्रोबेबिलिटी के बहने की दर बताएगी, पर यूनिट टाइम कितनी प्रोबेबिलिटी इस पार से उस पार जा रही है। किसी एक सेक्शन पर अगर आप देखें, किसी एक पॉइंट पर अगर आप देखें, तो उस पॉइंट से होकर के लेफ्ट टू राइट नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ कितनी प्रोबेबिलिटी फ्लो हो रही है। अब प्रोबेबिलिटी फ्लो होने का क्या मतलब है? मतलब है कि यहाँ पे इतनी प्रोबेबिलिटी थी, डीटी समय के बाद इतनी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन गई है, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी फ्लो हो रही है। एक पार्टिकल है तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, अगर पूरी बीम होती तो हम कहते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी यहाँ थी यहाँ बन गई है, तो हम कहते हैं पार्टिकल यहाँ था यहाँ आ गया है, पार्टिकल्स जो आ रहे थे वो यहाँ से यहाँ आ गए हैं। अगर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं के पीछे एक बीम है, तो जितना फ्रैक्शन यहाँ से यहाँ आ गया है वही प्रोबेबिलिटी यहाँ से यहाँ आ गई है। तो यही चीज़ अगर आप एक बीम के संदर्भ में बात करेंगे, तो यही चीज़ आपको एक पार्टिकल्स का फ्लक्स बताएगी, पार्टिकल्स का करंट बताएगी कि कितने पार्टिकल्स इस पार से उस पार जा रहे हैं, क्या फ्रैक्शन, टोटल का क्या फ्रैक्शन। और ये जो है वो डेंसिटी जो है वो पार्टिकल्स की डेंसिटी होगी, पर यूनिट लेंथ में कितने पार्टिकल्स हैं किसी खास टाइम पे। तो ये जो चीज़ है इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अब हम वापस अपने स्टेप पोटेंशियल पर आते हैं। हमने स्टेप पोटेंशियल पे एक फिक्स्ड एनर्जी के लिए कोई एनर्जी ई ले लें, तो उसके लिए ये इक्वेशंस देखें। फर्स्ट रीजन के अंदर में ये है एनर्जी आइगन फंक्शन, सेकंड रीजन के अंदर में ये है, और ये ए बी डी इन इक्वेशन से मिलकर के
बने हैं। तो इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास e टू द पावर आई के एक्स टाइप के टर्म हैं, ये टर्म है, और इस टर्म का हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि इसमें जो लीनियर मोमेंटम है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, लीनियर मोमेंटम एच क्रॉस के। और दूसरा हमारा ये टर्म है जिसमें लीनियर मोमेंटम माइनस एच क्रॉस के है। तो आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये जो है बताता है कि कितने पार्टिकल्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और कितने पार्टिकल्स राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। अभी भी हम एक खास इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये सारी जो डेरिवेशन हमने यहाँ किया है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से, एक खास टाइम का वेव फंक्शन है, लेकिन उस टाइम पर कितने इधर जा रहे और कितने इधर आ रहे वो हमें यहाँ से पता चलेगा। और हमें वो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इसके लिए क्या कितनी है वो निकालनी चाहिए। वो हमें बताएंगे कि इस लेफ्ट टू राइट कितने पार्टिकल x बराबर जीरो पर आ रहे हैं, और ये बताएगा कि कितने पार्टिकल राइट टू लेफ्ट x बराबर जीरो से दूर इस तरफ बाईं तरफ को जा रहे हैं। तो ये आप कैलकुलेट अगर करते हैं, ये हमारा जो फंक्शन है उसमें i है, ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वगैरह जो लेना है संभल के लेना है। तो अगर हम इसके लिए करें, अगर हम इस पार्ट के लिए करें, इसके लिए अगर हम करें और वो j निकालें आप यहाँ J1 पहले में J1 ऐसा निकालें आप फॉर ए ई, इसके लिए आप J1 निकालें तो क्या बनता है, ये बनता है a का स्क्वायर मॉड a का स्क्वायर और h क्रॉस k बाई m। ये सीधा सीधा डिफरेंशिएट करना है x की अपेक्षा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर के, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये इतना बन करके आता है। और इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप ये दूसरा वाला पार्ट है उसमें इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालें ये वाला माइनस वाला, तो वो उसी प्रकार से बन करके आएगा। ये J1 J2 कहते हैं क्योंकि फर्स्ट रीजन में ही हैं हम, तो 1 2 का इस्तेमाल करते हैं, रोमन का इस्तेमाल नहीं करते। ये बनेगा ये मॉड b स्क्वायर और h क्रॉस k बाई m एक माइनस साइन के साथ। तो ये जो करंट है ये उल्टी दिशा में है इसलिए है ऐसा। और इसलिए अगर आप पूछें कि कितने इधर रेशियो क्या, जो स्टेप की तरफ जा रहे हैं उस पर इंसिडेंट हो रहे हैं वो, और जो स्टेप से दूर आ रहे हैं वो रेशियो क्या, तो J2 बाई J1 अगर आप करें J2 बाई J1 तो ये बन जाएगा सीधा मॉड, इसका केवल लेना है मुझे, डायरेक्शन तो पता ही है, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर और मॉड a का स्क्वायर ऐसा। ये है b और a तो है ही, तो अगर b का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर आप करते हैं तो आपको इस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर अपने से गुणा करना पड़ेगा, और वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेकर के अगर आप अपने से गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, i की जगह माइनस i रखना है, देखिए क्या मिलेगा आपको। अगर आपने इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखा इस पोर्शन का तो मिलेगा माइनस i k और यहाँ पे माइनस गामा और यहाँ पे माइनस आई के और यहाँ पे प्लस गामा, ऐसा ये मिलेगा। आई के और माइनस गामा, माइनस आई के और प्लस गामा एक दूसरे के नेगेटिव हैं, आई के प्लस गामा माइनस आई के माइनस गामा एक दूसरे के नेगेटिव हैं, इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, 1 बचेगा, तो अर्थात ये 1 है। जितने पार्टिकल्स दाहिने तरफ जाते हुए दिख रहे हैं किसी भी समय पे, उतने ही पार्टिकल्स बाईं तरफ जाते हुए भी दिख रहे हैं। और चूंकि ये एनर्जी आइगन फंक्शन है तो जो अभी दिख रहा है वही हमेशा दिखेगा, वही हमेशा दिखने वाला है, स्टेशनरी स्टेट है, एनर्जी आइगन फंक्शन है। तो किसी भी समय, आगे के समय पर भी आपको जितने पार्टिकल इधर जाते हुए दिखते हैं उतने ही पार्टिकल उधर जाते हुए दिखते हैं। अर्थात आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि पार्टिकल जाते हैं स्टेप तक पहुंचते हैं लेकिन यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वापस हो जाते हैं, तो जो रिफ्लेक्ट होने का फ्रैक्शन है वो 1 है, रिफ्लेक्टेंस ये 1 है। जितने पार्टिकल जाते हैं सबके सब वापस चले आते हैं उस स्टेप से। और क्लासिकली भी आप यही एक्सपेक्ट करते हैं, क्यों?
क्योंकि टोटल एनर्जी हमने कम ली है, टोटल एनर्जी जो हमने ली है वो वी नॉट से कम है। तो अगर आप ऐसा देखें यहाँ पे, ये अगर ई है तो जब इस रीजन में होंगे तो टोटल एनर्जी इतनी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी इतनी है। लेकिन इस रीजन में अगर घुसने की कोशिश करते हैं तो टोटल एनर्जी कम है और पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यानी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है। ये क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है। जो भी पार्टिकल यहाँ तक पहुँचेगा, x बराबर जीरो तक पहुँचेगा, उसको x बराबर जीरो से वापस लौटना पड़ेगा, वो x बराबर जीरो से आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्लासिकली भी आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने पार्टिकल्स इधर जा रहे होंगे उतने ही पार्टिकल्स वापस इधर आ रहे होंगे। लेकिन क्लासिकली जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि x बराबर जीरो से इधर पार्टिकल नहीं जा सकता, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव, वो मामला ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये भी वेव फंक्शन है। इस रीजन में भी हमारे पास वेव फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है, लेकिन है। और इसलिए यहाँ भी अगर हम मोड साई स्क्वायर निकालें और उस पार्टिकल के यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ढूंढे तो वो मिलेगी, वो जीरो नहीं है, ये डी जीरो नहीं है, ये डी इतना है। यानी कि इस रीजन के अंदर में इसने पेनेट्रेट किया है, लेकिन अंत में सारे पार्टिकल को रिफ्लेक्ट होना है। अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप जे निकालने की कोशिश करें, जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी इसका जो हमने एक्सप्रेशन निकाला उसके अनुसार आप निकालने की कोशिश करें, आपको ज़ीरो मिलेगा। तो पार्टिकल्स उधर फ्लो नहीं कर सकते, जा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन उधर की तरफ लगातार फ्लो करते रहें ऐसा नहीं हो सकता। तो आप मेंटली इसका पिक्चर ऐसे बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, कि पार्टिकल्स आते हैं, इसमें थोड़ा पेनेट्रेट करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। और कितना पेनेट्रेट करते हैं, कितनी दूर तक आपको एक रीजनेबल प्रोबेबिलिटी मिलती है, तो वो ई टू द पावर माइनस गामा एक्स इससे डिफाइन होती है। तो जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एन एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये जो रीजन है, इस रीजन में उसके किसी खास पॉइंट पर यहाँ पे और यहाँ से एक छोटा सा डी एक्स बनाएं, इतनी दूर में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो अगर आप निकालते हैं तो वो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, मॉड स्क्वायर करना पड़ेगा, मॉड डी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस टू गामा एक्स, ऐसा बनेगा ये। एक्स के साथ ऐसे वो प्रोबेबिलिटी जो है सो घटती जाएगी। और इसलिए अगर आपने समझिए एक्स इक्वल टू वन बाई गामा यहाँ पर सोचा, x इक्वल टू वन बाई गामा यहाँ पर सोचा, तो ये प्रोबेबिलिटी जितनी x बराबर जीरो पर नज़र आ रही थी उसका वन बाई ई स्क्वायर टाइम्स कम हो जाएगी। x बराबर जीरो पर जो प्रोबेबिलिटी थी वो इतनी बनेगी, और x बराबर वन बाई गामा पर आप ले जाएंगे तो ये वन हो जाएगा e टू द पावर माइनस टू अर्थात वन बाई ई स्क्वायर, और ये कुछ 13% वगैरह कुछ ऐसा बनेगा। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो प्रोबेबिलिटी घटती जाएगी। तो एक टिपिकली इतने दूर तक आप सोच सकते हैं कि हाँ एक सिग्निफिकेंट प्रोबेबिलिटी है इसके जाने की। तो ये है जब हम इसकी पूरी चर्चा करते हैं ई लेस देन वी ज़ीरो की। ई ग्रेटर देन वी ज़ीरो की भी थोड़ी चर्चा कर सकते हैं हम। अगर ई ग्रेटर देन वी ज़ीरो हो जाए, ग्रेटर देन वी जीरो हो जाए, स्टेप है और एनर्जी मेरी टोटल यहाँ पर है, इतनी एनर्जी है, ये वी बराबर वी जीरो है, ये वी बराबर जीरो है, ऐसा अगर हो जाए तो इसी प्रकार से आप अपने इक्वेशंस लिख करके इसी प्रकार से सारे सॉल्यूशंस कर सकते हैं। तब सेकंड रीजन में जब आप आएंगे, फर्स्ट रीजन में जब आप आएंगे फाइव वन जिस समय आप लिखेंगे तो उस समय में यहाँ पर आप k डिफाइन करते हैं, इन सब जगहों के लिए आप k डिफाइन करते हैं। कैसे k आप डिफाइन करते हैं, स्क्वायर रूट 2me बाई h क्रॉस स्क्वायर ये, और तब ये होता है e पे पावर ikx और माइनस प्लस b e पे पावर माइनस ikx, ऐसे लिखते हैं।
यहाँ जब आएंगे तो ये है इतना जिसके करस्पॉन्डिंग आप के डिफाइन करेंगे के वन, और वो के वन इस बार होगा 2m e माइनस वी नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर ऐसे, और तब जो फाई टू है वो उसी प्रकार से आप लिखेंगे c टाइम्स e पे पावर i के वन एक्स, ये ऑसिलेटरी फंक्शन होगा। ये चीज सीख लीजिए, क्लासिकली अलाउड रीजन में जब लिखते हैं तो साइन कोसाइन e टू द पावर i के एक्स e टू द पावर माइनस i के एक्स ये सब लिखते हैं, ऑसिलेटरी फंक्शन होता है। और क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में अगर वे फंक्शन लिखते हैं तो वो एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन होता है। तो ये ऐसा बनेगा। अब इसमें आप दो काम, दो चीज़ें, दो सिचुएशंस सोच सकते हैं। एक तो ये जिसमें आप कहें कि ये नहीं है, ये ज़ीरो है, मैंने ज़ीरो कर लिया। क्यों ज़ीरो कर लिया? तो मैं उन सिचुएशंस की चर्चा कर रहा हूँ जिसमें हमारी बीम लेफ्ट से आती है, यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है, इधर उधर कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन जो इधर चला गया उसके फिर लौटने का कोई चांस नहीं है क्योंकि यहाँ और कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है और पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं है। तो इसलिए ये वाला पार्ट जो है जो बताता है कि पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस आई के वन एक्स है, मोमेंटम माइनस एच के वन एच क्रॉस के वन है, तो इसको हमने कर दिया। तो ये उस सिचुएशन का रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पार्टिकल्स इस तरफ से आ रहे हैं और इधर को जा रहे हैं। हम एक दूसरी सिचुएशन भी ले सकते थे जिसमें इधर से पार्टिकल्स आते और इधर को जाते, यहाँ एक रिफ्लेक्शन होता, तब हम इसको ज़ीरो करते और इसको रखते, वो अलग सिचुएशन हो सकती है। तो अगर आप इसको लेकर के और ये सारा कैलकुलेशंस करें और फिर से प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालें इस रीजन में और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालें इस रीजन में, इस रीजन के लिए जो करंट डेंसिटी है वो इसके लिए अलग निकालें, इसके लिए अलग निकालें, तो आप फिर से रिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं, रिफ्लेक्शन कितना हो गया और ये ट्रांसमिशन कितना हो गया ये निकाल सकते हैं। तो जब आप ये रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो आपको वैसा ही कुछ मिलेगा, मॉड बी स्क्वायर बाई मॉड ए स्क्वायर। क्यों? इसलिए कि ये जो एच क्रॉस के बाई एम है ये कट जाते हैं, ये कट जाते हैं, तब ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ऐसा मिलता है। लेकिन जब आप यहाँ जाएंगे और ट्रांसमिशन कितना हो रहा है, कितने क्या फ्रैक्शन उधर निकल गया ये करेंगे, तब फिर यहाँ देखिए ये मॉड सी स्क्वायर तो आएगा और मॉड ए स्क्वायर तो आएगा, लेकिन मॉड सी स्क्वायर के साथ में ये के वन है, इसलिए आपको यहाँ पर एच क्रॉस के वन बाई एम ऐसा आएगा, लेकिन इस ए के साथ में के है इसलिए ये एच क्रॉस के बाई एम ऐसा आएगा। तो ऐसा बन जाएगा ये के वन बाई के एक्स्ट्रा और तब c बाई ए इसका मॉड स्क्वायर। तो क्या पाते हैं हम कि जो पार्टिकल्स इधर से जा रहे हैं उसका एक फ्रैक्शन, ये इतना फ्रैक्शन यहां से वापस आ रहा है। अगर आप क्लासिकली सोचते हैं तो यहां से वापस नहीं आना चाहिए, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी है, यहां आके इतनी काइनेटिक एनर्जी हो गई, दिशा परिवर्तन नहीं हो सकता क्लासिकली, क्योंकि दिशा परिवर्तन होने के लिए उसको वहाँ पे स्पीड एक बार को ज़ीरो करनी पड़ेगी, और यहाँ कहीं पर भी स्पीड ज़ीरो हो नहीं रही है, केवल काइनेटिक एनर्जी घट रही है, स्पीड घट रही है, तो क्लासिकली यहाँ से रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता अगर एनर्जी इससे ज़्यादा है तो। लेकिन यहाँ क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार रिफ्लेक्शन हो सकता है, होगा रिफ्लेक्शन, एक पार्ट रिफ्लेक्शन होगा, अर्थात जो पार्टिकल्स आ रहे हैं उनमें से कुछ पार्टिकल्स वापस लेफ्ट साइड चलेंगे और कुछ पार्टिकल्स जो बचे हुए हैं वो इधर को जाएंगे। तो ये एक कहानी बनती है अपने क्वांटम मैकेनिक्स की, कि जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि क्लासिकली फॉरबिडन रीजन के अंदर में पार्टिकल्स का प्रवेश हो सकता है, जो हमने पहले बार में किया, और यहाँ जहाँ भी पोटेंशियल की डिसकंटिन्यूटी है, एनर्जी उससे अधिक हो तो भी वहाँ से उसका रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ये दोनों संभव है। इसके आगे अब जब हम बढ़ेंगे तो हमारा आखिरी विषय होगा इस कोर्स का, और बहुत ही रोचक विषय होगा, क्योंकि अब तक जो हम कर रहे हैं उसके अंदर में हमने बहुत कुछ एब्स्ट्रैक्ट किया है,
अभी हमने कहीं जो रियल लाइफ के सिचुएशंस हैं या जो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनके साथ में रिलेशंस की बहुत चर्चा हमने नहीं की है। तो हमने एक अलग किस्म का फिज़िक्स डेवलप किया, अलग किस्म की हमने मैकेनिज्म डेवलप की, वेव फंक्शंस के बारे में बात किया, वेव फंक्शन से क्या क्या निकाल सकते हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट किया। ये जो हमारा लास्ट टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड है, उसके अंदर में हम बहुत सारी रियल लाइफ सिचुएशंस से भी उसका रिश्ता कर सकेंगे और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है। हम उसको पहले इंट्रोड्यूस कर दें और फिर अगले लेक्चर में हम उसको कंक्लूड करेंगे। और वो विषय है जहां हमारा पोटेंशियल ज़ीरो है, कहीं जा कर के पोटेंशियल बढ़ता है और फिर वो कांस्टेंट होता है स्टेप पोटेंशियल की तरह, लेकिन फिर से वापस वो थोड़ी दूर के बाद ज़ीरो हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर बैरियर, स्क्वायर बैरियर ऐसा। ये V बराबर ज़ीरो, ये V बराबर ज़ीरो और ये V बराबर V नॉट। ये यहाँ पर X बराबर ज़ीरो और यहाँ पर X बराबर L। तो इस बैरियर की जो विड्थ है वो L है और बैरियर की जो हाइट है वो वी नॉट है। इसको बैरियर कहते हैं क्योंकि क्लासिकली अगर कोई पार्टिकल इतनी एनर्जी लेकर के आए, इतनी एनर्जी लेके आए, इतनी एनर्जी लेके आए, तो वो इस के अंदर घुस नहीं सकता, ये इसको रोकता है, इसको बैरियर कहते हैं। और इसके लिए अगर आप तीन रीजन बनाए, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, और एनर्जी अगर कम है, एनर्जी अगर कम है इस वी नॉट से, तो जैसे हमने दो रीजन किए थे यहाँ पे, आपको तीनों रीजन के लिए अलग अलग करना होगा। यहाँ के लिए जब आप लिखेंगे इस जगह के लिए फर्स्ट रीजन के लिए, तो उसमें आप K डिफाइन करेंगे जो होगा स्क्वायर रूट 2ME बटा एच क्रॉस स्क्वायर। जब आप सेकेंड रीजन के लिए लिखने जाएंगे और यहाँ पे जब आप वेव फंक्शन लिखेंगे तो आपको मिलेगा A e पे पावर आई के एक्स प्लस बी ई पे पावर माइनस आई के एक्स ऐसा। सेकंड रीजन में जब आप जाएंगे तो एनर्जी इतनी है, क्लासिकली फॉरबिडन रीजन है ये है, यहाँ वी नॉट है, तो इस बार आप गामा डिफाइन करेंगे और गामा आप लिखेंगे 2m ये वी नॉट माइनस ई, वी नॉट माइनस ई इतना बाय एच क्रॉस स्क्वायर। गामा पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ये डिफरेंस। और तब आपका जो यहाँ वेव फंक्शन लिखेंगे आप वो होगा सी ई पे पावर गामा एक्स और प्लस डी ई पे पावर माइनस गामा एक्स ऐसा। इस बार आपको दोनों लिखना पड़ेगा क्योंकि रीजन इतना ही बड़ा है, आप ये भी टर्म हो सकते हैं और वो भी टर्म हो सकते हैं। और थर्ड रीजन में जब आप जाते हैं, इस रीजन में यहाँ जब आप पहुँचते हैं उस समय फिर से ये एनर्जी इतनी है और यहाँ वी बराबर ज़ीरो है, तो वही के काम आएगा, वही के यहाँ भी काम आएगा। और यहाँ आप लिखेंगे एफ ई पे पावर आई के एक्स प्लस जी ई पे पावर माइनस आई के एक्स। और अगर आप उस परिस्थिति की चर्चा करते हैं जिसमें आपकी बीम लेफ्ट टू राइट आके इस बैरियर तक पहुंचती है, यानी एक्स बराबर जीरो तक पहुंचती है पार्टिकल्स की बीम, और फिर कुछ होता है इधर में भी कुछ वेव फंक्शन बनते हैं, ये ट्रांसमिशंस वाले ट्रांसमिटेड पार्टिकल्स होंगे, और आप कहते हो कि अब इधर कोई बैरियर कुछ ऐसा पोटेंशियल में डिसकंटिन्यूटी नहीं है, तो यहाँ से लौटने का चांस नहीं है, हम इधर से भेज नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उधर से ही भेज रहे हैं, तो वैसी हालत में आप इसको हटा दे सकते हैं। और फिर सारी मैचिंग कराएंगे आप, जो जो फाई है शुड बी कंटिन्यूअस, दो दो जगह कराना होगा आपको, एक्स बराबर जीरो पर मैच कराइए, एक्स बराबर एल पर मैच कराइए, इसी तरह जो डीफाई डीएक्स है उसको भी आप मैच कराइए, वो भी कंटिन्यूअस है यहाँ भी और यहाँ भी, और वो करके आप इन कोफिशियंट्स का वैल्यू ए के टर्म्स में निकाल सकते हैं। फिर आप प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की का कैलकुलेशन कीजिए इसके लिए और इसके लिए, तो आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा। आप रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये, इसको अगर आप जे टू कहें, इसको आप जे वन कहें, तो वो जे टू बाई जे वन बनेगा। और अगर आप ट्रांसमिशन में चले जाते हैं तो फिर इससे आप करेंगे जो ट्रांसमिशन होगा वो ये जे थ्री बाई जे वन ऐसा बनाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी करेंट्स आप निकालिए, वहाँ से आप फ्रैक्शन निकाल लीजिए कि बीम का कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होता है और बीम का कितना फ्रैक्शन ट्रांसमिट होता है।
यद्यपि हम प्लॉट नहीं कर सकते हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेकिन ये ऑसिलेटिंग है, ये बताने के लिए अगर आप थोड़ा यहाँ पे ऐसा करने की धृष्टता करें, ऐसा बताने के लिए कि ये ऑसिलेटरी है, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग है, तो यहाँ पर इसका ये ऐसा वेव फंक्शन होगा और फिर यहाँ पर ऑसिलेटरी है, तो फिर इसे मैच करते हुए और ऐसा जाते हुए और जो ऑसिलेशन होना चाहिए फाई और डीफाई डीएक्स दोनों को मैच करता हुआ ये, तो ये इस प्रकार का फंक्शन यहाँ निकल करके आता है। यानी कि आपके यहाँ की टोटल एनर्जी, पार्टिकल की टोटल एनर्जी उस बैरियर की हाइट से कम होते हुए भी आपको बैरियर के दूसरे साइड में अच्छे खासे चलते हुए पार्टिकल्स मिलेंगे। स्टेप के समय भी फॉरबिडन रीजन में हमने घुसाया था, लेकिन वहाँ क्या था, थोड़ी दूर वो एक्सपोनेंशियली डिके होता जा रहा था, यहाँ भी ये डिके होता जा रहा है, लेकिन एक बार यहाँ निकल गए, जितना डिके होना था हो गया, उसके बाद अब ये फ्रीली फ्री पार्टिकल है, जैसा हर पार्टिकल होते हैं वैसा ये पार्टिकल है, और इसके लिए आप बकायदा उसकी J3 निकाल सकते हैं, करंट डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो बैरियर होने के बावजूद भी दूसरे साइड में पार्टिकल्स मिल जाते हैं, ये एक बड़ी बात है जिसको हम लोग बैरियर टनलिंग कहते हैं। इसमें से टनल करके उस साइड में चला गया और उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसकी चर्चा हम अपने इस कोर्स के आने वाले लेक्चर में करेंगे।